नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं, यदि आपका एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एवं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार आ रहे हैं। और मैं खास बात ये बता दूँ कि आज का ये वीडियो या आज का ये टेस्ट टॉप क्वेश्चन के बारे में है, यानी कि जो इंटरनेट के जो टॉप क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में इंक्लूड है। यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ट्रिपल सी एग्जाम में आप इंटरनेट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है, वीडियो को ज़रा सा मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेट के क्वेश्चन इंक्लूड है, जो मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करके इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है, अगर आप ज़रा सा भी मिस कर दें तो हो सकता है कि जो मिस कर दें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए आज की ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर करूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या कई बार आते हैं, तो आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइब कैसे करना है, क्योंकि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। तो ये मेरा चैनल है, जैसे आप वीडियो पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, वहाँ पर सब्सक्राइब बटन यानी कि ये बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बेल का आइकन है ये, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आल पे क्लिक करना है, जो आल दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, जब मैं कोई न्यू वीडियो या लेटेस्ट वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को शेयर करूं या मैं प्रोवाइड करूं तो वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे मैं ट्रिपल सी एडमिट कार्ड, ट्रिपल सी रिजल्ट, ट्रिपल सी क्वेश्चन पेपर, ट्रिपल सी टेस्ट और ट्रिपल सी मार्कशीट, बहुत सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका सलूशन देने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की सीरीज यानी आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है फाइनली, और जिसका नहीं मालूम है उसका मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। आज की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन यानी आज के टेस्ट में पहला क्वेश्चन वो है, WWW के आविष्कारक कौन है। आपने WWW का नाम सुना होगा, यदि आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको पता होगा WWW, जब कुछ सर्च करते हैं सबसे पहले WWW लग जाता है। WWW का फुल नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके आविष्कारक यानी जन्मदाता यानी इन्वेंटर कौन है, नंबर 1 टिम बर्नर्ली, नंबर 2 बिल गेट्स, नंबर 3 मुकेश अंबानी, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर वो ए नंबर है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा टिम बर्नर्ली, ये क्वेश्चन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। ए नंबर नेटवर्क इंटर, बी नंबर इंटरनल नेटवर्क, सी नंबर इंटरनेशनल नेटवर्क, डी नंबर नन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने खुद ही आ रहे हैं, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जीके से भी रिलेटेड। तो मैं आपको फाइनल बिना देरी के बता देता हूँ उसका करेक्ट आंसर, वो है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है मॉडम का पूर्ण रूप क्या होता है। मॉडम आप नाम सुने होंगे, जिसके माध्यम से हम नेट कनेक्शन यूज करते हैं यानी कि नेट यूज करते हैं, तो आपको मालूम जरूर होगा। ए नंबर है मॉडल डिकोड, बी नंबर मॉड्यूलेटर डेमोलेटर, सी नंबर है मॉड्यूलेटर डिसकनेक्शन, डी नंबर है नन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर बी मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडम क्या होता है या मॉडम का फुल नेम क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैसेज में है, वो है नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है। ए नंबर विश्वसनीयता, बी नंबर कम्युनिकेशन, सी नंबर संसाधन, डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूँ, डी नंबर है इनमें से सभी। जो नेटवर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्लेषण, मतलब कि नेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाए, कम्युनिकेशन संचार जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड किया जाए, संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर सभी हैं इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे चीज में, वो है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? नंबर एक वेब ब्राउजर, नंबर बी गूगल, नंबर सी URL, नंबर डी सभी। जब इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं आप, वेबसाइट है या कुछ अपना कुछ भी है एनीथिंग, तो आप किसमें वो चीज़ यानी वो चीज़ किसमें सर्च करते हैं, क्या किसमें डालते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर है। जब आप कुछ लिखते हैं तो वो वेब ब्राउजर हो सकता है, जैसे कि क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, यूसी मिनी, यूसी ब्राउजर, ये हो सकता है, या फिर आप गूगल में सर्च करते हैं। और जब गूगल में सर्च करते हैं या वेब ब्राउजर में, तो आपको URL यानी कि जिसमें लिखते हैं वो बॉक्स आपको दिखाई देता है, उसे बोलते हैं URL। इस तरह का होता है, जो इस बॉक्स में आप लिखते नहीं कि कंप्यूटर क्या है तो वो सर्च होके आता है ना, वही होता है URL। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे चीज में, निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रकार है? नंबर एक TCP IP, बी नंबर रजिस्टर, सी नंबर OSI, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको बता दूं मैं, इसका करेक्ट आंसर है TCP IP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे चीज में है, वो है IPv6 एड्रेस की साइज कितनी होती है? ए नंबर 64 बिट्स, बी नंबर 32 बिट्स, सी नंबर 16 बिट्स, डी नंबर है 128 बिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जो IPv6 का एड्रेस, ध्यान दीजिएगा, इसमें हो सकता है आपका IPv4 आ जाए, IPv6 ये दोनों होते हैं, तो यहाँ 6 के जगह 4 भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, डी नंबर है 128 बिट का एड्रेस होता है IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है वो होता है 128 बिट का, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारे चीज में है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है, वो होता है नंबर एक गेटवे, नंबर दो है राउटर, नंबर सी लिंक, डी नंबर सर्वर। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो होंगे वो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ जोड़ेंगे तो उसे लिंक कहते हैं, लिंकिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, गेटवे इसके द्वारा जोड़ा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते जो है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नंबर एक एक्सेल, नंबर बी एक्सेस, सी नंबर HTML, डी नंबर URL। तो वेब पेज जो आप वेबसाइट रहते हैं उसे बोलते हैं, जब कोई पेज आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो पहला पेज आता है उसे पेज बोलते हैं यानी वेब पेज। तो उसको जो डेवलप किया जाता है यानी कि डिजाइन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो है इसका करेक्ट आंसर सी नंबर HTML के द्वारा किया जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, हिंदी में लिखा तो HTML ये हो गया, HTML। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे चीज में है, वो है निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है? नंबर ए है HTTP, बी नंबर है FTP, सी नंबर है DHCP, डी नंबर है TCP। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, जो असाइन कराता है वो है सी नंबर, DHCP होता है वो। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ इन तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके CCC में बहुत ही हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो डेटा पैकेट का डुप्लीकेट बनता है और डुप्लीकेट पैकेट को अतिरिक्त रूट से भेजता है। नंबर एक ट्रू, नंबर बी है फाल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ये सही है, रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो पैकेट को डुप्लीकेट बनाता है और डुप्लीकेट को अतिरिक्त रूट तक भेजता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, जैसे ये हो गया ये कंप्यूटर, उसके बाद ये, तो ये रिपीटर एक डिवाइस हो गया, मान लीजिए कि एक डिवाइस हो गया, ओके, उसके बाद ये डुप्लीकेट बनाता है, इसके पास भेजता है, उसके पास ये भेजता है, इसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन जो चलता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैसेज में, वो है एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज़्यादा ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं? ओबियसली बात तो सही कर रहे हैं, ब्राउजर आपको मैंने बताया, ब्राउजर वही होते हैं क्रोम, यूसी ब्राउजर, यूसी मिनी और आपका मोज़िला फायरफॉक्स और सफारी, जो बहुत सारे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर, सही है, बहुत सारे हम मतलब एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस चीज़ में, HTML में पहला टैग टाइटल होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो है गलत, यानी ये क्वेश्चन गलत है, फाल्स है। जो HTML जब आप कुछ नोटपैड में टाइप करते हैं तो HTML में तो जो पहला टैग होता है वो आपका होता है HTML होता है वो, उसके बाद आपका हेड आता है कोड के अंदर, डबल हेड आता है, उसके बाद टाइटल आता है, तो ये पहला टैग नहीं है, पहला टैग HTML होता है, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेज में, वो है इंटरनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है? ए नंबर फाल्स, बी नंबर ट्रू।
तो इंटरनेट मेट्रोपॉलिटन नहीं होता, मेट्रोपॉलिटन का यूज वहां पे किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं जहां पर कोई एरिया, जैसे कि आपका विलेज है या आप किसी सिटी में रहते हैं, जैसे कि आप रह रहे हैं किसी लखनऊ में जैसे रह रहे हैं और वहां पर लखनऊ पे रह रहे हैं, या आप किसी गांव में रह रहे हैं, तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन वर्क करता है। और जो इंटरनेट होता है वो पूरा वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाल्स, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन है वो एक सिटी को आपस में जोड़ता है, या एक आप कह सकते हैं आपका टाउन होता है उसको जोड़ता है, और जबकि इंटरनेट पूरे वाइड वेब को। तो ये क्वेश्चन फाल्स है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैसेज में वो है एक्सटर्नल का पोर्ट रूप एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप नोट डाउन 100% कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफ़ी सारे मैंने एग्जाम दिए हैं कंप्यूटर के, तो उसमें ये मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ ही है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, ये सही है, जो एक्सएमएल होता है उसका जो फुल नेम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सीरीज में वो है, निम्न में से किसी स्कूल के परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क है होता है, किसी स्कूल परिसर में, कई स्कूल हो या कॉलेज हो या आपका समथिंग समझो लोकल एरिया में मतलब आता हो, जैसे कि स्कूल कॉलेज ऑफिस ओके और एक बिल्डिंग, तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड आपको मैंने बताया पूरी दुनिया के लिए यानी कि यूज किया जाता है, और बी नंबर कैंपस एरिया नेटवर्क, सी नंबर ए बी दोनों, और डी नंबर में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है बी नंबर कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, जो कैंपस के लिए यूज किया जाता है, बिल्डिंग या स्कूल या कॉलेज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैसेज में है वो है, निम्न में कौन सा वेब एक्सेस करने का मेथड नहीं है। वेब एक्सेस मतलब कि कुछ जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो उसमें किसके माध्यम से एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पर नहीं लगा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं यानी कि नहीं होता है यहाँ पर इसका मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए नंबर सीपीयू, सीपीयू के द्वारा आप नहीं एक्सेस कर सकते। एक्सेस क्या होता है, इसमें डेटा होता है वो एक्सेस होता है, इस यहाँ पर वेब की बात हो रही है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर सीपीयू है, इसके द्वारा नहीं होता, और सब ये वेब एक्सेस के पार्ट ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैसेज में वो है, किसी मॉडम में टेलीफोन लाइन को प्लग करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं पहले आपको बता दूं, किसी मॉडम में टेलीफोन लाइन को प्लग करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नंबर एक है RJ45, बी नंबर RJ10 और सी नंबर RJ11, डी नंबर इनमें नन, इनमें से कोई नहीं है मतलब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है सी नंबर RJ11, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको पता है RJ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसे को कई बार फेस किया है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैसेज में है वो है, नेटस्केप नेविगेटर है एक ईमेल प्रोग्राम, बी नंबर सर्च इंजन, सी नंबर वेब ब्राउजर, डी नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटस्केप नेविगेटर आपने सुना होगा इसका नाम, ये काफ़ी जगह क्वेश्चन इंक्लूड है, यानी काफ़ी जगह मुझे देखने को मिला है, चाहे मैं इंटरनेट पर सर्च करूं या बुक से कोई देखूं, तो काफ़ी जगह मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। और CCC एग्जाम में पिछले मंथ में जब एग्जाम हुआ था तो एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये सर क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेब ब्राउजर, ये नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैसेज में वो है, इथरनेट होता है एक मैन वैन लैन नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, सी नंबर है, एक लाइन होता है लोकल एरिया इथरनेट। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर मैं आ रहा हूँ, आपको जैसे लगता है कि इसका करेक्ट आंसर कुछ और होगा, तो आप इंटरनेट पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको कुछ जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ सर्च करें, अगर सर्च करेंगे तो उसी के माध्यम से कुछ आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेट क्या है, एक ए नंबर है डबल नेटवर्क, बी नंबर है लोकल एरिया नेटवर्क, सी नंबर नेटवर्क एक विशाल कनेक्शन है, डी नंबर सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं फाइनली बिना देर के बता देता हूँ, सी नंबर इसका करेक्ट नेटवर्क, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर सी नंबर ही है, नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन, यस छोटे छोटे नेटवर्कों का एक विशाल कनेक्शन। तो ये छोटे छोटे नेटवर्क जो होते हैं उनको मिलाकर एक विशाल कनेक्शन बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरनेट। जैसा कि आपको ऊपर अभी क्वेश्चन मिला था कि इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो जो नेटवर्क का विशाल कनेक्शन छोटे छोटे उसको बोलते हैं इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है, निम्न में इंटरनेट के लिए आप
का कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए? ए नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर यूपीएस, सी नंबर लाइट केबल से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना है, आप कन्फ्यूज में। तो ये इंटरनेट के लिए आपका कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए, किससे? इंटरनेट से, ना कि यहाँ पर किसी और की बात नहीं हो रही, सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट की हो रही। तो ए नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का करेक्ट आंसर है इंटरनेट सर्विस। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आईएसपी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है इंटरनेट सर्विस की जगह आईएसपी हो, तब भी एक सही होगा, क्योंकि आईएसपी का ही पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारी चीज़ में, वो है निम्नलिखित में HTTP, आपको ये एड्रेस मिल जाएगा वेबसाइट का, जो कि जहाँ मैं आपको बता दूँ ये जो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है पहले मैं आपको ये बता दूँ, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड, CCC का एडमिट कार्ड, CCC का रिजल्ट, CCC की मार्कशीट जहाँ से डाउनलोड करते हैं, वो वही साइट है ये, इसी के माध्यम से आप सब कर सकते हैं। तो इसको मैंने इसलिए इंग्लिश में इंक्लूड किया, मैंने सोचा एग्जाम्पल भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वेबसाइट कॉपी की। तो निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल इसमें जो है वो, इस जो साइट आपको दिख रही है इसमें प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ए नंबर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा WWW, बी नंबर HTTP, सी नंबर .com और डी नंबर स्टूडेंट नाइलेट। तो इसमें चारों पार्ट मैंने इसमें आपको ऑप्शन में दे दिए हैं। तो प्रोटोकॉल आपको बताना है, इसमें जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर वो HTTP है। जो HTTP आपको यहाँ पर दिख रहा है वही आपका ये हो जाता है प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारी चीज़ में है वो है इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, आपको ध्यान देना है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था तो ज़रूर बताइएगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, ये रिपीट हो गया फिर से, तो आप इसका करेक्ट आंसर में बताइए अगर आप भूले नहीं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है ईमेल एड्रेस में पहले वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? ए नंबर @, बी नंबर .com, सी नंबर पासवर्ड, डी नंबर user ID। तो दोस्तों कन्फ्यूज जरा सभी मत होइएगा, मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि CCC का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत कन्फ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा टफ हिंदी होती है, तो आपको ध्यान देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्या करेंगे, वो करेंगे कि ईमेल एड्रेस में पहले भाग को क्या बोलते हैं, .com कर देंगे या फिर @ कर देंगे, कि @ भी तो होता है इसमें ना, तो @ ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जो एड्रेस है, क्वेश्चन पहले समझिए, जो पहला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, user ID, जैसे कि मेरा हो गया संदीप कुमार मौर्य, उसके बाद @ लगता है, तो यानी संदीप कुमार जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं, उसके बाद ये जो पूरा होता है इसे बोलते हैं हम user ID। सिर्फ यहाँ पर @ user ID नहीं होता, जब पूरा मिलता है तो उसे बोलते हैं user ID, जैसे संदीप कुमार मौर्य @gmail.com, तो ये हो गया user ID, आपका ये ईमेल हो गया और ये है पूरा आपका पहला पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चीज़ में वो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एड्रेस प्रोवाइड करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो ए नंबर है RNS, FTP है, सी नंबर HTTP, डी नंबर DNS। तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको आपको बताना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन मैंने बताए, अब आप भी इसे सर्च करिए और अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, जिससे आपको इसका आंसर पता चल सके। अगर आपको नहीं पता होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं इंटरनेट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि और भी इंटरनेट के क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए। जब तक आप मोटिवेशन मुझे नहीं देंगे मैं कैसे कर सकता हूँ, आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें और भी क्वेश्चन चाहिए, तो मैं हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दूँ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे ज्वाइन होकर आप कोई भी सलूशन ले सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके अराउंड CCC के ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, तो ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। अगर आपके कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी, अगर आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, उसमें ज़रूर बेशक पूछिए। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।